फ्रेंड्स, वन मोर क्वेश्चन, हाउ कैन यू एस्टैब्लिश दैट बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स वॉज ए मेजर डेवलपमेंट इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म के अंदर मंदिर निर्माण को, परंपरा के डेवलपमेंट को कैसे स्थापित करेंगे? तो फर्स्ट आइडोल ऑफ बुद्धा वॉज मेड, बुद्धा की आइडोल बनाई गई। आफ्टर इट आइडोल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस वर मेड। इसके बाद देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगी। टेम्पल्स फॉर आइडोल्स, मंदिरों में मूर्ति पूजा होने लग गई। टेम्पल्स बनने लगे आइडोल्स के लिए, आइडोल बने फिर उनके लिए टेम्पल बनने लगे। अर्ली वर इन वन रूम, शुरुआत में एक कमरा होता था। लेटर बिग वंस, बड़े बने एलाबोरेट स्ट्रक्चर बनने लगे मंदिरों के। मोर रूम्स, और उसको गर्भगृह कहते थे। फिर गर्भगृह के ऊपर शिखर बनने लग गया। फिर गोपुरम बनने लग गए। हम देखेंगे आगे विजयनगर साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे मंदिरों के भाग गोपुरम बहुत दूर से दिख जाते थे। मंडप, प्रदक्षिणा पथ जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ मंदिरों में कंप्लीट होने लगी। फेयर्स और सोशल पंचायतें भी वहाँ पर होने लगी। रिलीजियस पर्सनैलिटीज जो होती थी वो धार्मिक पंचायतों के रूप में लोगों के सुलह भी करवाने लग गई। सो अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन टू, हाउ कैन यू एस्टैब्लिश दैट बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स वॉज ए मेजर डेवलपमेंट इन हिंदुइज्म। मंदिर बनना कैसे शुरू हुआ? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट आइडोल ऑफ बुद्धा वॉज मेड, आफ्टर इट्स आइडोल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेज वर मेड। टेम्पल्स फॉर आइडोल्स, मूर्तियाँ बनने लगे तो उसके लिए मंदिर बनने लगे। अर्ली वर इन वन रूफ, शुरुआत मंदिर एक कमरे के थे। लेटर बिग वंस, बड़े बड़े कमरे बनने लगे। एलाबोरेट स्ट्रक्चर बनने लगे। मोर रूम्स बनने लगे, और एक का जो कमरा होता था जहाँ मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता है। फिर उसके ऊपर शिखर बनने लग गया। शिखर के ऊपर गोपुरम बनने लगे। फिर मंडप बनने लगे। प्रदक्षिणा पथ, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रदक्षिणा पथ बनने लग गया। सोशल एक्टिविटीज़ होने लग गई। फेयर्स और पंचायतें वहाँ पर होने लग गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट थ्री क्वेश्चन, विच वर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफाइनिंग अननोन ऑब्जेक्ट्स एंड स्कल्पचर्स, क्लैरिफाई इट विथ सम एग्जाम्पल्स। विच वर द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफाइनिंग अननोन ऑब्जेक्ट्स एंड स्कल्पचर्स, क्लैरिफाइड इट विथ सम एग्जाम्पल्स। तो अननोन ऑब्जेक्ट्स और स्कल्पचर्स को कैसे डिफाइन किया गया, इसकी प्रॉब्लम्स को हमें क्लैरिफाई करना है, उदाहरण भी देने हैं। स्कॉलर्स ट्राइड फॉर इट, विद्वानों ने इसके लिए प्रयास किया। मैच दोज विथ प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड थिंग्स, स्कल्पचर को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा और उसको विद्यमान नॉर्म्स और विद्यमान वस्तुओं के आधार पर उसकी कंपेरिजन की। इफ़ नॉट फेमिलियर ट्राई टू इंटरप्रेट इट बाई देम सेल्वेज, यदि किसी चीज़ के बारे में वो फेमिलियर नहीं थे तो खुद उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश की। आइडोल्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा की आइडोल्स बनने लगी। दे वर फेमिलियर विथ ग्रीक ट्रेडिशंस, बुद्धा की जब ये आइडोल्स बनी, मूर्तियाँ बनी, ये ग्रीक परंपराओं के आधार पर थी। दैट्स वाई दे कुड इंटरप्रेट इट महाबलीपुरम। फर्स्ट ग्रुप ऑफ द हिस्टोरियंस गंगा फ्रॉम हेवन, सेकेंड हिस्टोरियंस एज अर्जुन डूइंग पेनेंस टू एक्वायर आर्म्स। तो इस प्रकार से इतिहासकारों का पहला जो ग्रुप है गंगा फ्रॉम हेवन, गंगा को हेवन से आते हुए दिखाया गया। सेकंड हिस्टोरियन सेज अर्जुन डूइंग पेनेंस टू एक्वायर आर्म्स, शस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को तपस्या करते हुए दिखाया गया है। ऐसा इतिहासकार इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। अब है वाई वर टेम्पल्स मेड, हाउ दे अफेक्टेड द सोसाइटी एज होल, मंदिर कैसे बनाए जाते थे और वो समाज को कैसे प्रभावित करते थे। टेम्पल्स वर मेड आफ्टर आइडोल्स एस्टैब्लिश्ड स्मॉलर एट अर्ली टाइम्स, शुरुआत में आइडोल स्थापित हो गई, ग्रेजुअली बिकेम एलेबोरेट, फिर बड़े बड़े होने लग गए। फीचर्स ऑफ टेम्पल्स, गर्भगृह, शिखर, गोपुरम ऊँचे ऊँचे होते हैं, मंडप, प्रदक्षिणा पथ, सोशल एक्टिविटीज, फेयर, पंचायत, सेंटर्स फॉर वर्शिप, सेंटर्स फॉर ट्रेड, सिटीज डेवलप्ड अराउंड इट। ये मंदिरों के डेवलपमेंट की कहानी है।
मेले होने लग गए, पंचायतें वहाँ पर काम होने लग गई। पंचायतें झगड़ों की तरह सुलझाने का कोई काम होता है, जैसे पंचायतें सुलझाते हैं आपसी विवादों को। सेंटर फॉर वर्शिप, सेंटर्स फॉर ट्रेड, सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड इट। अगेन वी कैन सी वाई वर टेम्पल्स मेड, हाउ दे अफेक्टेड द सोसाइटी एज होल। टेम्पल्स वर मेड आफ्टर आइडोल्स एस्टैब्लिश्ड स्मॉलर एट अर्ली टाइम्स, ग्रेजुअली बिकेम एलैबोरेटेड फीचर्स ऑफ टेम्पल्स। ग्रीव ग्रह, शिखर, गोपुरम, मंडप, प्रदक्षिणा पथ, सोशल एक्टिविटीज़, फेयर्स, पंचायत, सोशल एक्टिविटीज़ में सारी एक्टिविटी आएंगी, सामाजिक गतिविधियाँ होने लग गई। फेयर्स, पंचायत, सेंटर्स फॉर वर्शिप, सेंटर्स फॉर ट्रेड, सिटीज़ डेवलप अराउंड इट। क्वेश्चन 5, वाई कुड स्टूपा ऑफ सांची कुड सर्वाइव। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई कुड स्तूपा ऑफ सांची, वाही कुड स्तूपा ऑफ सांची सर्वाइव्ड, सांची के स्तूप क्यों सर्वाइव कर पाए। ऑन द अदर हैंड रिमेन्स ऑफ अमरावती कुड नॉट सर्वाइव, और अमरावती के जो अवशेष हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, नियर भोपाल सांची ओल्ड एंड ब्यूटीफुल प्रिजर्व्ड बाय नवाब्स ऑफ द भोपाल्स एंड बेगम्स, स्पेशली नवाब्स की जगह बेगम्स ने ज़्यादा योगदान यहाँ पर दिया। बेगम्स और बेगम्स ऑफ भोपाल हैं, उनमें से सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, इन्होंने बड़ा एफर्ट किया सांची को बचाने में। तो नियर भोपाल सांची ओल्ड एंड ब्यूटीफुल प्लेस है, और उस भोपाल के पास होने के कारण भोपाल के बेगमों ने इसको प्रिजर्व किया। प्रोवाइडेड ग्रांट्स, उसके लिए उन्होंने उनको धन दिया, प्रोवाइडेड ग्रांट्स पहला काम ये किया। रिफ्यूज टू प्रोवाइडेड स्पेशल ऑटिग्नल पार्ट्स, एंड ओरिजिनल पार्ट्स, किसी को भी उसका ओरिजिनल पार्ट देने से मना कर दिया। जबकि अमरावती का जो स्तूप था उसके रिमेन्स को लोग वहाँ से ले गए, लेकिन दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड स्पेशल एंड ओरिजिनल पार्ट्स। कॉलोनियल ऑफिसर्स एग्रीड ऑन दैट, कॉलोनियल ऑफिसर्स एग्रीड ऑन दैट कंस्ट्रक्टर्स एंड बिल्डर्स शुड नॉट सी दैट आर्कियोलॉजिस्ट रोट अबाउट देम। तो कंस्ट्रक्टर्स एंड बिल्डिंग्स, कॉलोनियल ऑफिसर्स इस बात पर एग्री थे कि कंस्ट्रक्टर्स एंड बिल्डर्स कुड नॉट सी दैट आर्कियोलॉजिस्ट रोट अबाउट दैम, कि आर्कियोलॉजिस्ट उसके बारे में लिखेंगे, ऐसा कंस्ट्रक्टर्स और बिल्डर्स को नहीं मानना चाहिए, उनको खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए बचाने की। हम यहाँ बात करते हैं अमरावती सिचुएटेड इन रिमोट एरिया। अब अमरावती रिमोट एरिया में है, जैसे सांची भोपाल के पास था ऐसी स्थिति वहाँ की नहीं थी। अमरावती सिचुएटेड इन रिमोट एरिया, किंग्स एंड पीपल कुड नॉट अंडरस्टूड इट्स इम्पोर्टेंस, राजा और लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ सके। पीपल एंड कॉन्ट्रैक्टर्स टुक ब्रिक्स, लोग और कॉन्ट्रैक्टर्स उसके ब्रिक्स ले गए। पार्ट्स वर टेकन टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, पार्ट्स टेकन टू म्यूजियम्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स उसके पार्ट्स को ले गए, कुछ पार्ट्स को म्यूजियम में भी लगाया गया। तो इस प्रकार की लापरवाही वहाँ पर की गई। अमरावती का जो स्तूप है इसलिए डिस्ट्रॉय हो गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स के घरों में पहुँच गया, म्यूजियम में पहुँच गया, कॉन्ट्रैक्टर ले गए उसको, इसलिए डीके हो गया। व्हाट वाज द रोल ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ डिफरेंट सेक्ट। डिफरेंट सेक्ट फैले हमारे देश में, जैसे 64 सेक्ट थे, उसमें डिबेट और डिस्कशन का क्या रोल रहा। मैनी डिसअपियर्ड, डिबेट और डिस्कशन के बाद कई तो डिसअपियर हो गई। कैन बी नोन बाय बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, ट्रेवल्ड प्लेस टू प्लेस, convinced others
वैलिडेटेड देयर वे ऑफ लाइफ, डिबेटेड इन कुतागरशालाज, पॉइंटेड हर्ट्स इन ग्रोव्स, इफ सक्सेसेड टू कन्विंस अदर्स देन डिफिटेड कन्वर्टेड. सो मैनी डिसअपियर्ड कैन बी नोन बाई बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस. Traveled place to place, convinced other, validated their way of life, pointed hearts in groves, if succeeded to convince other then defeated and converted. Which were the main teachings of Mahavira? Jainism was developed already before Mahavira. Mahavira was 24 Tirthankar. First was Rishabdev, last was Mahavir. Childhood name was Vardhaman. Left world for enlightenment. Teaching, world is animated. Everything has life, including water and rocks. Non-injury, the central idea. Cycle of birth and rebirth, controlled by karma. Asceticism and penance to get rid of from karma. तो asceticism और penance पर बल देते हैं वो. Again, I am repeating. Jainism was developed already before Mahavira. Mahavira was 24 Tirthankar. First was the Rishabdev, last was the Mahavira. Child whose name was Vardhaman. Left world for enlightenment. Teaching, world is animated. Everything has life, including water and rocks. Non-injury, the central idea. Cycle of birth and rebirth, controlled by karma. Asceticism and penance to get rid of from karma. Thank you.